जहां आपस में आप नफरत फैलाने की बात है, और एक पार्टी तो दुर्भाग्य से इस देश की सत्ता में 10 साल से है, लेकिन आज तो जो सरकार है उसको संविधान से ही प्रॉब्लम है। देश संविधान से ही चलेगा, संविधान के अलावा किसी मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा। किसानों को गाली दिया, पहलवानों को गाली दिया, अब अयोध्या वालों को गाली दिया देने नहीं दे रहा। तो भारतीय गालीबाज पार्टी है, मैंने तो इसका नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया। अयोध्या में बुलडोजर चला के हजारों मकान तोड़ के जमीन दोष कर दिया। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, जो इनके खिलाफ बोलेगा वो जेल में रहेगा। उन कंपनियों से आपने इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड लिया है, जिन्होंने आपको चंगा दिया है, और आप देखिए कहीं सड़क टूट रही, कहीं टर्मिनल टूट रहा, यही सब चंगा दिया है। और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये नफरत की विचारधारा का खात्मा नहीं हो जाता। और क्या कहते हैं नबी को, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते हैं? रहमतुल आलमीन, पूरे आलम पर रहमत करने वाला, सिर्फ मुसलमानों पर रहमत करने वाला नहीं। तो जब आपने यहां पे लिखा है कि मुस्लिम्स फॉर ऑल, इसका मतलब कि इस देश का मुसलमान सबके लिए खड़ा होगा, हिंदुस्तान के लिए खड़ा होगा, एक एक आवाज के लिए खड़ा होगा। और सेक्युलरिज्म सिर्फ एक शब्द नहीं हो सकता, धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक शब्द नहीं हो सकता। अगर इस देश में आप पैदा हुए हैं तो धर्मनिरपेक्षता जीना सीखना होगा, कैसे धर्मनिरपेक्षता में जिया जाए। शब्द तो सेक्युलरिज्म का आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे भाषण दे सकते हैं, लेकिन जो सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जब कहते हैं हम हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, मुल्क है हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, सिखों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, बौद्धों के लिए भी, सबके लिए। जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो सेक्युलरिज्म वो शब्द है जिसको आपको जीना सीखना होगा, अपने आचरण में लाने का प्रयास करना होगा। खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। मैं तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के छोटे से जिले में पैदा हुआ। साथी के बाद मेरे दोस्त थे इरफान, अशोक सिंह, मासूम, हम सारे लोग साथ साथ खेले बड़े थे। और फिर मैं पढ़ाई के लिए उड़ीसा चला गया, माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, वहां से डिप्लोमा किया। और हालात बदले उस समय 6 दिसंबर 1992 में हुआ, मैं घर पे नहीं था, लेकिन सबसे पहला सच मेरे घर पे अगर कोई पहुंचने वाला था तो मेरा दोस्त इरफान था। और उसने जाके कहा कि अगर इस घर की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मेरी लाश के ऊपर होकर गुजरना पड़ गया। ये है सेक्युलरिज्म जो हमने जिया है। उसको कैंसर की बीमारी हो गई, हम लोग साथ साथ रहे। जब उसकी मृत्यु होने लगी तो उसने अपने कागज पे लिख के दिया, अब संजय सिंह इस घर के बेटे हैं, इनको इसी तरीके से साथ में रखा। तो हमने सेक्युलरिज्म को जिया है, ये शब्द नहीं है सिर्फ, एक साथ मिलकर रहना कैसे है ये सीखा है। और आज इतने सालों के बाद इरफान हमारा दोस्त था और आज उसका बेटा सूफियान हमारे बेटे का दोस्त है। हमारे पीढ़ियों के रिश्ते हैं, कोई खड़ा होता है भड़काने के लिए चला आता है, जो जोर से भाषण देगा लोगों को बांटने का काम करेगा, बांटने से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। यही तो आपके देश की खूबसूरती है, जहां अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, यही तो आपके देश की खूबसूरती है। पूरी दुनिया में आप जाते हैं कहते हैं हम इंडियन, यहां आपस में आप नफरत फैलाने की बात है, और एक पार्टी तो दुर्भाग्य से इस देश की सत्ता में 10 साल से है जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं, और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये नफरत की विचारधारा का खात्मा नहीं हो जाता। गोडसे की विचारधारा से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, गांधी की विचारधारा से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा।
ये बाबा साहब के संविधान को मान के हिंदुस्तान आगे बढ़े। लेकिन आपको जो सरकार है उसको संविधान से ही प्रॉब्लम है। अभी मैंने देखा शशि थरूर जी ने अपने भाषण के बाद कह दिया जय संविधान, तो मीडिया जी के कह रहे जय संविधान मत बोलो। क्यों नहीं बोलेंगे जय संविधान? एक नहीं 1000 बार बोलेंगे जय संविधान, क्योंकि ये देश संविधान से ही चलेगा, संविधान के अलावा किसी मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा। और अभी यहां चर्चा हो रही थी कि मुसलमान हिंदुओं के लिए बोले, हिंदू मुसलमान के लिए बोले, बहुत अच्छी बात है। अभी साहब आए थे तो मैंने भी ये बात कही थी। लेकिन अगर सेकुलरिज्म को मजबूत करना है तो बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। याद रखिएगा, मुसलमान हिंदू के लिए बोले, हिंदू मुसलमान के लिए बोले, हिंदू सिख के लिए बोले, मुसलमान सिख के लिए बोले, सिख हिंदू के लिए बोले, मुसलमान के लिए बोले, यही तक बात सीमित नहीं रहेगी। मैं मानता हूं कि अगर इस देश के सेकुलरिज्म को मजबूत करना है तो हिंदू हिंदू के खिलाफ भी बोले अगर वो कुछ गलत कर रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर मैं हिंदू हूं और कोई हिंदू संगठन बनाकर हमारे समाज को भड़काने का काम करेगा कि चलो भाई मुसलमानों से लड़ना है झगड़ना है, तो उसके खिलाफ बोलने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और मुसलमान भी मुसलमान के खिलाफ बोले अगर वो कुछ गलत करने जा रहा है, और सिख भी सिख के खिलाफ बोले अगर वो कुछ गलत करने जा रहा है, और ईसाई भी ईसाई के खिलाफ बोले अगर वो कुछ गलत करने जा रहा है, तभी सेकुलरिज्म मजबूत होगा। ऐसे मजबूत नहीं होगा। पीड़ा यहां पर सबकी कही गई, बहुत अच्छी बात है। आज क्या हुआ है इस देश के अंदर? पहले मुसलमान को गाली दिया, फिर सिखों को गाली दिया, फिर ईसाइयों को गाली दिया, फिर बौद्धों को गाली दिया, फिर जाटों को गाली दिया, फिर मराठों को गाली दिया, फिर किसानों को गाली दिया, फिर पहलवानों को गाली दिया, अब अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं। देने नहीं दे सकता। तो भारतीय गालीबाज पार्टी है, मैंने तो इसका नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया। मैंने कहा भैया मोहल्ले में मत बुलाया करो, नहीं झगड़ा करके चले जाएंगे। किसके सगे हो भाई? अयोध्या में हार गए तो वहां के लोगों को गाली, उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को गाली दी जा रही, हजारों करोड़ रुपए अयोध्या के विकास में खर्चा हो गया, देखिए ना इधर क्या क्या। आप मुझे बताइए कि आप अयोध्या से हार गए तो अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हैं, और वहां पे बुलडोजर चला के भी बुलडोजर का जिक्र हमारे कश्मीर के साथी कर रहे थे। बुलडोजर चला, बिल्कुल ठीक बात है। जाकर देखिए अयोध्या में, इमरान आते हैं हमारे मदर से प्रतापगढ़ से, अयोध्या में बुलडोजर चला के हजारों मकान तोड़ के जमीन दोस्त कर दिए गए। तो बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों पे चल रहा है, चुपचाप बैठे हो मजा आ रहा है, सिखों पे चल रहा है मजा आ रहा है। ये मत सोचना कि तुम मत जाओगे। नोएडा में त्यागी जी वाला बुलडोजर देखा था कि नहीं आपने? त्यागी जी क्या चला? फिर पलट के दूसरे वाले पे चला। ये जो राजनीति होती है इसका अंत बहुत खराब होता है। ये अपने को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करती है। ये बात हमें समझनी होगी और इस देश का सेकुलरिज्म मिल के आगे बढ़ेगा। हमारे दोस्त दानिश अली यहां पर बैठे हुए हैं, एक सांसद ने इनके खिलाफ ऊट पटांग खोलने का काम किया। सुबह में आंख खुली 6 बजे उठा, सबसे पहले इनके पक्ष में आवाज उठाने का काम इनके भाई संजय सिंह ने किया। यह है हिंदुस्तान, ऐसे आगे बढ़ेंगे हम लोग। और कोई बचा नहीं है, बिल्कुल मत सोचिएगा जो इनके खिलाफ बोलेगा इनके उत्पीड़न का शिकार होगा। मैंने उत्तर प्रदेश में आवाज उठाई, एक दिन में 9 FIR मेरे खिलाफ हुई, कुल 23 उम्र में उत्तर प्रदेश में मेरे खिलाफ किए। पार्लियामेंट में मैंने आवाज उठाई, मैंने नारा लगा दिया संसद के अंदर, मोदी अडानी भाई भाई देश देश के खाई मलाई,
क्या गलत बोला भाई? एक ही आदमी को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति आप देते चले जा रहे, उन कंपनियों से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है जिन्होंने आपको चंगा दिया है, और आप देखिए कहीं सड़क टूट रही, कहीं टर्मिनल टूट रहा, यही सब चंगा दिए। तो मुझे टारगेट कर लिया इन्होंने। जीवन में कभी, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, जीवन में कभी एक पैसे की रिश्वत नहीं ली, बेईमानी नहीं किया, इसीलिए आंख में आंख मिलाकर इस सरकार के खिलाफ लड़ पाता हूं। बावजूद इसके मुझे छह महीने जेल में रखा। इसलिए किसी के सगे नहीं है, गलत फहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न हिंदू, किसी के सगे नहीं। जो इनके खिलाफ बोलेगा वो जेल में रहेगा। कभी संजय रावत जेल में रहेंगे, कभी अमित देशमुख जेल में रहेंगे, कभी हेमंत सोरेन जेल में रहेंगे, कभी ममता बनर्जी के मंत्री जेल में रहेंगे, कभी अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे, मनीष सिसोदिया जेल में रहेंगे, सत्येंद्र जैन जेल में रहेंगे। मुझे जेल में रखा, लड़ने इसलिए तो रखा, लेकिन मैं अपनी बात का अंत इसी बात से करना चाहता हूं कि इस देश के सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए, मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाने के लिए जो कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ेगी उसके लिए तैयार है। छह महीने नहीं, पूरी जिंदगी अगर जेल में रहना पड़ेगा तो रहेंगे, लेकिन सच के लिए लड़ेंगे, इंसाफ के लिए लड़ेंगे, सेक्युलरिज्म के लिए लड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।